केरला में इस बाढ़ के विभीषिका में मुझे चिकित्सा कार्य करने का सेवा अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें कि तिरुवंत वंदूर पंचायत में 3 जगहों पे हम लोगों ने कैंप किया। इस कैंप में मुख्यतः जो बीमारियां सामने आई और लोगों की जो परेशानियां सामने आई उसमें सर दर्द, बुखार, जॉइंट पेन, हेडेक, पेट में दर्द और क्रोनिक डिजीज में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हम लोगों ने डिटेक्ट किया। हम लोगों के साथ मोबाइल पैथोलॉजिकल यूनिट भी था, जिसमें कि हम स्थान पे ही, स्पॉट पे ही हीमोग्लोबिन, शुगर का जांच कर रहे थे और उसके अनुसार जो भी मरीज है वो मेडिसिन उनको प्रोवाइड कर रहे थे हम लोग। अभी एक नोटिफिकेशन आया है कि लेप्टोस्पिरोसिस होने का चांसेस बढ़ गए हैं, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और संक्रमित जानवर के यूरिन से वह फैलता है। बाढ़ की वजह से सब कुछ संक्रमित हो चुका है, तो इसलिए उससे बचाव के लिए हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन प्रोफाइलेक्सिस के रूप में भी दे रहे हैं सबको। आज हम लोग कैंप में मरीजों को देख रहे थे कि एकाएक काफ़ी आवाज़ हुआ और काफ़ी लोग एक तरफ दौड़ते हुए गए, तो और चिकित्सक डॉक्टर डॉक्टर वो चिल्लाने लग गए। तो बींग एज ए डॉक्टर हम लोग भी वहाँ तुरंत दौड़े कि आखिर क्या हो गया है। वहाँ हमने देखा कि 50 साल की एक महिला थी जो कि ज़मीन पे पड़ी हुई थी और बहुत घबरा रही थी, उसको सभी लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था। तो हम लोग सबसे पहले वहाँ गए और सारे क्राउड्स को पहले हटाया कि वो फ्रेश एयर में आ जाए। फिर उसके बाद तुरंत उसके लिए कुछ बिछाने के लिए मंगाया गया, जिस पे उसको लेटाया गया, लेग को रेज किया गया जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन उसके हार्ट की तरफ पहुँचे। उसके बाद उसको काम डाउन किया गया, ब्लड प्रेशर भी उसका लिया गया जो कि बढ़ा हुआ था। और उसके बाद ब्लड प्रेशर लेने के बाद हार्ट बीट और सबको चेकअप किया, वाइटल्स चेकअप किया जो कि नॉर्मल मिला। हिस्ट्री लेने पर यह पता चला कि उसने कुछ कैरोसिन या कोई चीज़ इनगल्फ कर लिया। हमने कोशिश किया क्या डिटेक्ट करने का, तो कंफर्म तो साइट पर नहीं हो पाया। फिर उसको वोमिटिंग हुई और वोमिटिंग होने के बाद हम लोगों ने ORS दिया। ORS पीने के बाद 10-15 मिनट बाद वो गुड फील करने लग गई और फिर कुछ मेडिकल हम लोगों ने उसको एडवाइस देकर मॉनिटर में रखा 1 घंटे तक जब तक कैंप था। विद इन 1 आवर उसने फिर दोबारा कोई कंप्लेन नहीं किया और हम लोगों ने अपना नंबर भी दे के आए हैं उसको कि कभी कोई दिक्कत हो तो वो संपर्क कर सकती है। और हमारे जो स्वयंसेवक और जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्होंने भी अपना संपर्क नंबर उन्हें दिया है कि आगे कोई भी दिक्कत हो, कभी भी हो, 24 घंटा हम सब उनके लिए अवेलेबल हैं, वो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।